एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग के साथ में मैं अपनी ये साड़ी धुलने की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो ये साड़ी हैवी है, पार्टी वेयर है, तो इसको मैं अपने घर पे ही धुलूँगी। और कैसे धुलते हैं इसको वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी सच। और मैं अपनी साड़ियों को ड्राई क्लीन नहीं करवाती हूँ, घर पर ही धुलती हूँ। तो इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं कि मैं साड़ियों को कैसे धोती हूँ, और आप लोग भी अपने घर पर इसको साड़ियों को जो आपकी हैवी साड़ी हैं, सूट हैं, उसको अपने घर पर धो सकते हैं और ड्राई क्लीन करवाने की ज़रूरत नहीं होगी आप लोगों को। तो चलिए फिर वीडियो आगे देखते हैं कि कैसे धोती हूँ मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा टब ले लिया है और उसमें सर्फ डाल दिया है। आप सर्फ की जगह पे इजी या शैम्पू जो आप सर में यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइम में मैंने सर्फ ही यूज़ किया है, कई बार मैं शैम्पू वगैरह भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इसी में मैं अपनी साड़ी को डिप कर रही हूँ। तो जो सर्फ है उसको अच्छे से पहले उसको घोल देना है, उसके बाद में फिर साड़ी को डिप करना है। और साड़ी को अच्छे से डिप कर देना है हाथ से, अपने जिस तरीके से देखिए मैं कर रही हूँ उस तरीके से। और यहाँ पर ये मैं ब्लाउज़ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इस ब्लाउज़ में जो लॉन लगा हुआ है उसका कलर उतरता है। तो मैं दो साड़ियाँ एक साथ में डाल रही हूँ लेकिन साड़ी का कलर नहीं उतर रहा है, तो दो साड़ियाँ एक साथ में डाल रही हूँ। अगर आप देख लेना, अगर आपके किसी कपड़े का कलर उतर रहा है तो वो साथ में ना डालें, नहीं तो एक कपड़े का कलर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी चीज़ का कलर उतर रहा है उसको हमेशा अलग से ही धोएं, नहीं तो आपके दूसरे कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने साड़ी को कम से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए भिगो कर रखा था, उसके बाद में मैं इसको हल्के हाथों से मसल के धो रही हूँ। और जो जहाँ पे फॉल वगैरह लगा रहता है उसको अपने हल्के हल्के हाथों से मसल कर धो लेना चाहिए क्योंकि उस जगह पे ज़्यादा गंदा होता है। और इसके ऊपर मैंने ब्रश नहीं मारा है क्योंकि ब्रश मारने से फॉल जो है वो ख़राब हो जाएगी और साड़ी में जो डिज़ाइन बना है वो भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने ब्रश का यूज़ नहीं किया है, अपने हाथों से ही इसको धुल लिया है। क्योंकि साड़ी जो है मेरी ज़्यादा गंदी नहीं थी, सिर्फ एक एक बार की पहनी हुई थी, और जैसे मैं अलता वगैरह लगाती हूँ तो वो कई बार साड़ी में लग जाती है, तो वही सब लगा हुआ था, बाकी ज़्यादा गंदा नहीं था साड़ी मेरा। तो मैंने बस ऐसे ही 10-15 मिनट के लिए डिप करके और हल्के हाथों से इसको मैश करके धुल लिया है ऐसे ही। तो आप लोग आगे वीडियो इंजॉय कीजिए म्यूज़िक के साथ में और देखिए कि मैंने किस तरीके से इसको धुला है।
ये देखिए इसका ये सारा साफ हो गया है। ये मैं आलता लगाती हूँ ना तो वो सारा आलता यहाँ पे लग जाता है, और बिना ब्रश मारे ही इसको मैंने धोया है, ब्रश वगैरह कुछ नहीं मारा है। देखिए पूरा सब साफ हो गया है। तो देखिए मैंने साड़ी को धो के टांग दिया है, मतलब फैला दिया है जो भी कह सकते हैं। और अब मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।